जो किसान मेला है ये जिला स्तरीय मेला है जो कि कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश की योजना आत्मा के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में लगभग 1000 किसान जो है वो भाग लेंगे। हमारे जिला सोलन के 5 विकास खंडों से अलग अलग किसान जो हैं इस मेले में भाग लेंगे, जिसमें से नालागढ़ विकास खंड के लगभग 100 किसान जो हैं वो इस मेले में भाग लेने जा रहे हैं। सर, इसमें कुछ इनाम की कैटेगरीज भी रखी गई हैं? हाँ जी, इस मेले में इस योजना आत्मा योजना के अंतर्गत जो हमारे किसान भाई जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, जिन जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो उत्तम किसान जो है उन्हें जो है प्रगति की सील किसान जो है उनको अवार्ड, उनको अच्छे कार्य के लिए उनको अवार्ड दिया जाता है, जिसका क्राइटेरिया हमारे जो कुछ शर्तें रहती है उसमें, जिसमें कि वो किसान जो है हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो नई नई तकनीक है उसको कितनी जल्दी वो अडॉप्ट करता है, उसको कितनी जल्दी वो सीखता है और दूसरे किसानों में भी उसकी चर्चा करता है और उस खेती से वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना लाभ कमा रहा है, ये इस का क्राइटेरिया रहता है। इसके अंतर्गत हम उनका चयन करते हैं और हमने लगभग 3 किसान जो है इस अवार्ड के लिए हमने चयनित किए हैं, जिनको इन्हीं अंकों के आधार पर जो है जिला स्तरीय कमेटी जो है इसको डिसाइड करेगी कि किसे जो है अवार्ड दिया जाना है। और इसी तरह से हमारे जो एलाइड डिपार्टमेंट है, जैसे हॉर्टिकल्चर है, पशुपालन विभाग है, इनके भी जो किसान जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, वेटरनरी में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनसे भी हमने किसानों का चयन कराया है। उनके माध्यम से भी हमारे पास 3-3 किसानों की सूची जो है पहुंच चुकी है और वह भी हम हायर अथॉरिटी को, जिला स्तरीय अधिकारियों को उसे प्रेषित कर रहे हैं। सर, इसमें इनाम की राशि क्या है? इसमें इनाम प्रति किसान जो है, इसमें प्रगतिशील किसान जो 10,000 रुपये इनाम की राशि रहती है। बाकी किसान जो है वो इससे प्रेरणा लेते हैं, उनसे प्रेरित होकर के वो भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें भी मतलब इसमें भागीदार हो सकें।